134 यूरो 40,000। ये देखो ये पकड़ा एक यार, हमें 15 मिनट हो गए यहाँ वेट करते हुए, अभी तक नहीं आई वो कुत्ता लेके। चंगा भाई, ओके जी, चलो जी चलो। तो यार अभी बजे हैं 8, की टाइम हो जा 8:30 बज गए हैं, 8:30 बज गए और अभी हम निकल रहे हैं गौतमपुर का रास्ता है 3.5 घंटे का, तो 12 बजे के आसपास। आलमो यार हमने ट्रेन में किया था क्रॉस पिछली बार तो फ्री था, लेकिन इस बार ये गाड़ी है तो पिछले पुल पे हमने दिए हैं तकरीबन 80 यूरो और ये पुल जाता है समुंदर के अंदर से, तो और भी मतलब अलग से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और ये सब शानदार। देखते हैं सर कितना कैसे होगा भाई आपका माल मोले। कितना टोल देना पड़ना अपन 150 यूरो भाई ताडा कैस किन्ना ना 50 तो नहीं होंगे। तो ये स्वीडन अपन एंटर कर गए। ओके तो जस्ट अभी स्वीडन एंटर कर गए, तो ये जो पुल है ये डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ता है और उधर सामने आगे मालमो आ जाएगा, लेकिन हम स्वीडन में इधर नहीं जाएंगे, स्टॉकहोम की तरफ हम जाएंगे, आप ले लेना खब्बे पास लेफ्ट साइड गोथेनबर्ग। वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार था। आ गया जी सामने टोल आ गया, धक धक करने लगा पिया मोरा जिया। नहीं पर तू लेंदा कितना कार है की है, बंदा बैठा उते कोई बंदा बैठा उते कोई ज्यादा होगा ऑब्वियसली कार से, तो वो इसकी डायमेंशन जैसे भी पता नहीं क्या स्कैन करते हैं क्या करते हैं, पता नहीं। आगे पुलिस वाले खड़े, वो कस्टम्स वाले हैं वैसे तो नहीं, पिछले पुल पे कोई नहीं खड़ा था क्योंकि वो डेनमार्क के अंदर ही, मतलब वो अंदर ही था डेनमार्क के। अभी देखते हैं भाई द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, €134 लिखा तो है, 134 यूरो बाकी 11,000 बने पाकिस्तान च 40,000 पाकिस्तानी रुपए। वेरी गुड मर्जी है। अगे पुलिस वाले खड़े हैं, क्या कर रहे हैं ये, कैमरे बंद कर लेते हैं भाई, नीचे कर लेते हैं कैमरा। I've been to Sweden before. I've been to Sweden, yeah, and I was in Stockholm for some time, but I didn't go to Norway. So this time we plan to go to Norway. Will you all sleep in this? Yes, we have 4 beds actually, 2 beds here.
to budget the back. Yeah. Yes, we want to do a little customs control. Sure, yeah, yeah. Sure, sure. What does the mark on site? What? Over there? Yeah, you can drive down to my colleagues there. Okay. Just wait in the car. Okay, no problem. Yeah. Okay, fine. Thank you. तो अभी इसने बोला हमें कि आराम से उसने हंस खेल के सवाल पूछे हमसे और पहले उसको लगा कि इंडिया पाकिस्तान है क्या चल रहा है भाई कहाँ से बोला इंडिया से ला रहे हो क्या गाड़ी चला के उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई यहीं से ला रहे तो बोला थोड़ा सा हमें कस्टम चेक करना है तो हमें थोड़ा सा साइड में खड़ा कराया अभी एक सामने ट्रक चेक हो रहा है तो बोली कुत्ता लेके आएंगे आप बैठो आराम से अंदर शीशा ऊपर कर लो हम कुत्ता लेके आते हैं ज्यादा हो रहा हूँ मैं तुम्हें पाकिस्तान भेज देना वापस मैं तो जाना ही जाना मैं तेन भी नाल लेके जाना यार हमें 15 मिनट हो गए यहाँ वेट करते हुए अभी तक नहीं आई वो कुत्ता लेके क्या कर रही दिख रहे हैं इधर से हाँ दिख रहा है दरवाजा ना खोले ये देखो ये पकड़ा एक निकाल उसको बाहर आके उसके कपड़े कपड़े चेक कर रही है तो अभी हमें बाहर बुलाया उसने बोला बाहर जाओ वहाँ पे खड़े हो जाओ हम वहाँ जाए खड़े हो गए सामने तुम्हारे पास आके गप्पे मारने लग गया कि कहाँ से हो ये वो मतलब अच्छे तरीके से जैसे भाजी मैंने ना काफी बार ऐसे अपने फ्रांस के बॉर्डर पे देखा बड़े गंदे तरीके से बात करते फ्रेंच फ्रेंच मैंने भी अब हाँ जब भी ट्रैवल किया मैं ये पहली बार है हाँ, मैं आउट ऑफ फ्रांस का भी चेक हुआ हाँ मेरे 19-20 साल हो गए मैं यार वो इतने गंदे तरीके से बात करते हैं बात भी बहुत गंदे तरीके अपना बैग लेके आओ खाली करके दिखाओ बैग खोल के इसने बड़े अच्छे तरीके से बात करी और कुत्ता अंदर आया उसने तेरा कुत्ता भी अंदर आया वो कह रहा होगा मुझे बाहर निकालो कुछ नहीं है इसमें जल्दी बाहर निकालो कुछ नहीं है मैं बोल रहा हूँ तो तकरीबन 5 मिनट उसने बात करी हमसे और फिर वो बाहर आया और उसने उसको बोला कि हाँ भाई क्या सीन है बोला कुछ नहीं है बोला ठीक है अभी जाओ तो अभी सफर कितना है भाजी 2 घंटे का 286 किलोमीटर है अच्छा चलो रात भी 12 बजे पहुंचेंगे आप चलो ठीक है तो मैं तो आ गया था पीछे सोने के लिए अभी थोड़ा सफर पड़ा है 3-4 घंटे का बड़ा आराम से सोएंगे पीछे कितने आ गए तो यार अभी हमारी डेस्टिनेशन तो दूर है लेकिन हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा सुसु ब्रेक प्लस भूख लग रही थी तो यहाँ पे बर्गर किंग है तो अभी स्वीडन में आते ही स्वीडिश क्रोना तकरीबन 8 रुपए पड़ जाता है वो अरे यार ये बंद तो नहीं है बर्गर किंग कहीं बंद लग रहा है यार ये तो भाजी बंद है तो वो तो बंद था तो हमने यहीं से ले ली सैंडविच 70 करोना मतलब 500 रुपए पड़ेंगे भाजी ठीक है काम ठीक है बहुत वधिया तुझे तो मूल पड़े अपना रोटी तो यार अभी बन रहे एक मैं सो गया था आराम से 2 घंटे आराम से सोए और हम पहुंच गए गोथेनबर्ग तो देखते हैं अभी बाहर निकल के कहाँ पहुंचे हैं तो यार हम पहुंचे अभी गोथेनबर्ग गोथेनबर्ग में जो जहाँ पे रुक रहे हैं हम रात को तो इसका यही चक्कर है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है मतलब जैसे वो देखिए वो वाला 2 लोग के लिए सही रहता है 3 लोग के लिए सही रहेगा शायद वो थोड़ा छोटा है इसने ज़्यादा जगह घेर लिया प्लस पार्किंग के बाहर लिखा है 4 टिम मतलब कि 4 घंटे ही यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो हमारे पास वो भी नहीं है गोला सा घुमाने वाला जो टाइम दिखाने वाला दिखाया था मैंने आपको ना वो गाड़ी में तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पार्क कर नहीं कर सकते कुछ दिक्कत हो सकती है फाइन हो सकता है हमें चलान कट सकता है हमारा देखते हैं क्या करना है हाँ जी यार गुड मॉर्निंग तो अभी सुबह सुबह ही मैं आ गया था क्योंकि इसका था ना 4 घंटे वाला सीन पार्किंग का तो रात को देखिए ऐसे करते हैं इसको मतलब इसके अंदर ही कवर होते हैं तो जैसे हमने कवर लगा दिया अंदर से ताकि अंदर कोई देख ना पाए ठीक है इसको बाद में इकट्ठा कर देते हैं करता हूँ बाद में लेकिन अभी मतलब जो मेन बात है कि कोई फाइन की पर्ची वर्ची नहीं लगी थी जनरली क्या होता है कि जब आप यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं कहीं पे भी कुछ दिक्कत होती है तो जनरली आपके वो बाहर यहाँ रख देते हैं कि भाई यहाँ लगा देंगे पर्ची एक फ़ाइन की ना कि आपको फ़ाइन लग गया तो अभी बाकी लोग तो तैयार हो रहे हैं
तो मैंने कहा चलो मैं जाके बैठ जाता हूँ पहले गाड़ी में, ताकि कोई पुलिस वाला आए तो उसको बोल सके कुछ भी कि हाँ भाई कर रहे हैं निकल रहे हैं। ठीक है, बाकी आज का प्लान कोशिश है कि गोथेनबर्ग में घूमेंगे, मतलब कुछ कुछ अगर हमें ड्रोन ठीक कराना है अपना तो बड़ी दिक्कतें हैं। एक तो मैंने कभी इसको बंद किया नहीं है पहले, हाँ हो गया, तो इसमें ये लॉक था। तो ये देखिए इसको ऐसा करके जा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ढंग से नहीं करा मैंने, वैसे करता हूँ चलो मैं बाद में। तो अभी आज का प्लान है कि आज हम जा रहे हैं शायद गोथेनबर्ग में घूमेंगे, तो हमें ड्रोन ठीक कराना है अपना, तो ड्रोन हमारा फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि नॉर्वे में जा रहे हैं तो यार ड्रोन चाहिए, ड्रोन के बिना तो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर नहीं ठीक हुआ तो खुद कोशिश करूँगा मैं एक आधा सॉफ्टवेयर करके कैलिब्रेट करने की, बट या और फिर आगे निकल जाएंगे। अभी कोई भी प्लान नहीं है कि कहाँ जाना है हमें नॉर्वे में, मतलब ऐसे चल पड़े मुंह उठा के, लेकिन कोई ऐसे सोच नहीं रखा कि ये जगह जाना है वो जगह जाना है। तो हाँ मतलब बैठ के प्लान करेंगे गाड़ी में ही, तो मुझे टास्क दिया है भाजी ने कि देखो भाई प्लान करो क्या करना है, बाकी चलिए देखते हैं दिखाते हैं आपको अभी, स्टे ट्यून्ड। तो इसको अभी कर रहे हैं हम अपडेट ये सॉफ्टवेयर में, शायद इसका फोकसिंग ठीक हो जाए, नहीं होगा तो फिर एक रिपेयर शॉप पे जाना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या बनता है। कार ग्लास वही गैस का अपना चक्कर, देखते हैं आज हमें सिलेंडर मिलता है कि नहीं। हमारे एक्चुअली जो फ्रिज पड़ी है ना यार वो चल नहीं पा रही इसके चक्कर में, तो हमारा सामान जो उसमें पड़ा है फ्रोजन पाजी जो प्रॉन्स ला के रखे ना अपने वो सब खराब हो जाने, प्रॉन्स भी हैं फिश भी पड़ी, हाँ सब फ्रोजन, वो सब फ्रिज चलती है गैस पे, तो गैस का जुगाड़ करना है शायद यहाँ हो जाए। पाजी सफलता हाथ लगी आपके फिर फाइनली, काट पीट गए सर जी हमारे होस्ट पे किया है और आखिर में सभी पाजी के गैस का मसला हल हुआ, अभी ड्रोन का मसला रह गया। यार यहाँ पे ना जिनके घर हम रुके थे, तो जैसे हम करते ना इंडिया में कि अरे नहीं नहीं मैं दूंगा मैं पैसे दूंगा, तो वो अंग्रेज देख रहा है कि क्या कर रहे हैं ये लड़की, हो रहे हैं पैसे देने के लिए कौन लड़ता है। यहाँ पे अलग हिसाब किताब है, यहाँ मतलब तू दे मैं नहीं दूंगा। चलो भाजी अंदर, अज पग पाई है पाकिस्तान रंग दी। तो यार अभी हम यहाँ पे आए, ये रेस्टोरेंट है हमारे जो होस्ट है इनका है, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट, अरे इंडियन रेस्टोरेंट ही है, इंडियन है कॉन्टिनेंटल, अच्छा वेजिटेरियन बट वेस्टर्न है। तो ये भी इनका है और उधर वो इंडियन बिस्ट्रो भी इनका ही है। चलो पाजी आ जाओ, काफी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है ये तो, और अंकल बता रहे हैं कि 2001 से इन्होंने बना रखा है, तो 2001 मतलब अंकल तो पता नहीं 1979 के यहाँ पे हैं, पंजाब से ही हैं हमारे, तो हाँ मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव काफ़ी। आज उन्हें इंडियन रेस्टोरेंट चलिए, पर ये खड़ी की चीज़ सूट पा के तुम लुधियाने लेके आंदी है, अच्छा लुधियाने से लेके आए बिठा के, अच्छा पंजाब आ गए पंजाब। यार पता नहीं यहाँ क्या सीन है, मतलब हर जगह LGBTQ वाले फ्लैग बसों पे जगह लगे हुए हैं, कुछ तो सीन है, या तो कोई यहाँ पे परेड होने वाली है जैसे हमने देखी थी कोलंबिया में, यहाँ पता नहीं क्या सीन है। बाकी अभी जा रहे हैं ड्रोन की दुकान पे, देखते हैं ड्रोन ठीक होता है कि नहीं।
और साथ में इसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देख लेंगे गोथेनबर्ग का, ये ट्राम स्टेशन ही है कोई। चलो चलिए तो बहुत मुश्किल से दुकान ढूंढी है, ये बंद पड़ी है। पता नहीं कल भी गए थे डीजे की दुकान, वहां बंद पड़ी थी कोपेनहेगन में। की बांध दिया तो यार वापस आ गए। ड्रोन तो ठीक हुआ नहीं है भाई, लौट के बुद्धू घर को आए हैं। हां जी, काम पता कोई होया नहीं, काम कोई नहीं होया, अजे भी बुद्धू और काम कर रहे हैं। आ गया फड़ो, ठीक होता नहीं तेरा ड्रोन कभी भी। तो यार जैसे आपने देखा था, हम थे मेडिजिन में कोलंबिया में, तो वहाँ पे प्राइड वीक था सभी ना, तो प्राइड इनकी जो कम्युनिटी होती है LGBTQ, तो सभी लोग आते हैं यहाँ पे, दे सेलिब्रेट इट। हर जगह शहर में झंडे लगे हुए थे इसके, यहाँ पे देखिए ये वेस्ट प्राइड लिखा है इस पर, तो ये भी प्राइड वीक है। तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है हम लोगों को जब हम आते हैं, कपड़े लोगों ने कैसे पहने हुए हैं और जो भी चीज़ें हैं, और मतलब काफ़ी लोग सोचते भी हैं कि ये क्यों दिखा रहा है वीडियो में। तो इसमें इतना कुछ नहीं है वो, बट स्टिल वो माहौल है ऐसा, और लोगों को लग रहा है कि हम भी कपल है, कि मैं सारी पाजी दोनों इकट्ठे घूम रहे हैं। ओह माय गॉड, तो लवली पाजी आए अंदर, तो हमें ना उधर से क्या बोलते हैं, तीन बंदे आए, वो शायद कहाँ से, पाकिस्तान से थे? नहीं, वो अफगानिस्तान से थे। अफगानिस्तान से थे और वो भी इसी कम्युनिटी के थे, तो उनको कोई बंदा आके बोल रहा, कोई इस्लामिक होगा बोल रहा है ये हराम है, तो लड़ पड़े आपस, लड़ाई होगी। तो लवली बाजी बोलते भाई बाहर चलाओ यहाँ से, लवली बाजी बाहर ही भाग के कह रहे मैं नहीं दूंगा यहाँ पे। अब पाकिस्तान में इलीगल नहीं है, तो फिर उनको भी वही होगा कि ना। तो अभी हमने देख लिया, ये चलते हैं वापस, ड्रोन ले लिया हमने नया, और अभी अगले वीडियो में, अगले वीडियो से ड्रोन शॉट्स आएंगे। ठीक है जी, चलो टाटा बाय बाय। जांदी वारी दा सलाम चाचा चौधरी दे नाल। चाचा चौधरी बाय बाय हो गया साडे तो। पे अटेंशन टू द ड्रम्स। चलो जी, रब रखा।